की सरजमीन को चमकाने वाला महताब, बुखारी सादात के चश्मो चिराग। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट चंदा बुखारी और आप देख रहे हैं क्या बात है न्यूज़ नेटवर्क। नाज़रीन, मैं इस वक्त एक काफ़ी पाक और मुकद्दस जगह पर मौजूद हूं, जहां पर लोग अपनी मन्नतों मुरादों को पूरा होने के लिए यहां पर आते हैं, यहां पर इबादत भी करते हैं और मन्नतें भी मांगते हैं। मैं इस वक्त हज़रत मीरा मौज दरिया बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार पर मौजूद हूँ। ये काफ़ी मुकद्दस जगह है, हम यहाँ पर आए हुए लोगों से भी बात करेंगे और यहाँ पर मौजूद एक शख्स हमारे साथ मौजूद हैं जो कि यहाँ पर सारे दरबार की रखवाली भी करते हैं। हम उनसे पूछते हैं कि यहाँ का क्या निज़ाम है, तो आइए मेरे साथ। यहाँ पे हमारे साथ अंदर मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? सफदर हुसैन नाम है मेरा। सर, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि ये दरबार कब से यहाँ पे मौजूद है? ये बहुत पुरानी दरबार है, ये यहाँ पे लोग बहुत आते हैं और उनकी मन्नतें मुरादें पूरी होती हैं। यहाँ जुमेरात और जुमे को तो बहुत ज़्यादा रश होता है, लोग यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे दुआ खैर करते हैं। खवातीन भी आती हैं? खवातीन भी बहुत आती हैं, तो यहाँ पे बहुत रश होता है, जो भी मराज जो भी है मलक मानो वो कहते हैं। इस दरबार की कहते हैं इस दरबार की जो है ना वो करिश्माती तामीर हुई थी जी, इसीलिए तो ये इन्होंने यहाँ से ट्रैक निकालना था ये वाला जी, तो वो नहीं निकाल सके, तो फिर इसको अंडरग्राउंड किया, दरबार नहीं मिटा सके। ये बहुत मानने वाले हैं इसी वजह से। अच्छा, तो ये बहुत बड़ी हस्ती हैं। इनका कोई हमें करिश्माती वाक्या सुनाए, जैसा कि हमने देखा भी है, सुनते भी रहते हैं बुखारी सादात काफ़ी ज़्यादा। जी जी, इनका ये जो भी है मतलब आप मन्नत लेके आए, यहाँ मान के चले जाएं, इंशाल्लाह जल्दी पूरी होगी। यहाँ लोग आते हैं, रोज़ाना आते हैं, आज तो बारिश है जी जी, तो बहुत लोग कम आए हैं जी, तो यहाँ पे रश लगा होता है, लोग आते जाते रहते हैं, मन्नतें मुरादें न्याजें बांटते हैं, सारा नाफिल भी पड़े जाते हैं, सारा यहाँ पर होता है। और यहाँ पे इनके और भी जो रिलेटिव्स वगैरह होंगे बुखारी सादात के, वो भी यहाँ पर आते हैं, विजिट करते हैं? आते हैं यहाँ पे, आते जाते रहते हैं, विजिट करते हैं यहाँ पे। मज़ारात की मतलब के देखभाल भी होती है, सारा कुछ होता है। हमने देखा है सफाई काफ़ी ज़्यादा है और काफ़ी मुकद्दस जगह होती है। बाबा जी आ गए हैं, ये ज़्यादातर यहाँ पे होते हैं, ये नीचे सीढ़ियों में बैठे होते हैं, हमारे लिए बड़े हैं, तो ये यहीं पर रहते हैं, यहीं पर रहते हैं, यहाँ पे इनका सिलसिला जो है ना आना जाना जो लगा रहता है, जो ज़ायरीन आते हैं वो तो देखते भी हैं, ये मज़ार की देखभाल भी करते हैं, जो भी मसले मसाइल हैं याद करते हैं इंशाल्लाह। लाहौर में क़याम, अगर हम आपको लाहौर में क़याम के बारे में बताएं, तो चतूर की फतह के बाद आप लाहौर में तशरीफ़ फरमा हुए। अक्सर बादशाह ने बटाला में 2 लाख रुपये की जागीर का इलाका दे दिया। जागीर देने का मकसद ये था कि अल्लाह के फ़कीरों का गुजार औकात बाइज्जत तरीके से हो, लेकिन आपने इससे हासिल शुदा आमदन गुरबाओ मसाकीन में फराग दिली से तकसीम की। वो फरमान जिसकी रूह से ये जागीर सैयद हज़रत सैयद मीरा मोहम्मद शाह रहमतुल्लाह अलैह की नज़र हुई थी, अरसे दराज तक आपकी औलाद में पुश्त दर पुश्त रहा। इनकी करामात में किला चतूर का वाक़िया काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। सादात ऊद शरीफ से ताल्लुक़ रखते थे, आपका सिलसिला नसब चंद वास्तों से हज़रत मखदूमुद्दीन जहानिया रहमतुल्लाह अलैह जहाँ गश्त से जा मिलता है, आपके अहद में पैदा हुए। आपका शजरा नस्ल इस तरह है, मीरा मोहम्मद शाह बिन सैयद सफ़ीउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, सैयद निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह बिन सैयद इल्मुद्दीन सानी रहमतुल्लाह बिन सैयद जलालुद्दीन रहमतुल्लाह बिन सैयद अलीमुद्दीन रहमतुल्लाह अव्वल बिन सैयद जलालुद्दीन मखदूम जहानिया जहांगश्त रहमतुल्लाह अलैह बिन सैयद अहमद कबीर रहमतुल्लाह अलैह बिन सैयद शेर शाह जलालुद्दीन आज़म रहमतुल्लाह अलैह अमीर सुर्ख बुखारी। दरिया की तालीम और तरबियत, फितरत का ये एक कानून रहा है कि जिन लोगों को उसने किसी मुकाम पर पहुंचाना होता है उसके लिए बेहतर तालीम और तरबियत का बंदोबस्त कर देता है। चनाचा मौज दरिया रहमतुल्लाह अलैह के लिए भी अल्लाह अज़्ज़वजल ने ज़ाहरी असबाब यूँ पैदा फरमाए कि आपके वालिद मुकर्रम ने आपको नफ़्से नफीस तालीम कुरान और रमूज़े कुरान से आगाह किया।
चूँकि आपको बचपन ही से वालिद मोहतरम के साया आतफत का शर्फ हासिल था, इसलिए तबीयत में इब्तदा ही से इत्तबाए शरीयत और हसूल मारफत का शौक पैदा हुआ। फिर आपने मुख्तलिफ उस्तादों से इक्तसाब इल्म करके अपनी ज़ाहरी की बातनी उलूम की तकमील जिस अंदाज से की, ये उन्हीं का एक हिस्सा है। फिर आप सबने देखा कि मैं बाबा मौज दरिया रहमतुल्लाह अलैह के दरबार पर आई थी। यहाँ पर मुझे काफ़ी ज़्यादा सुकून भी महसूस हुआ है और यहाँ पर हमने इनके मुरीदों से भी बात की है, जो कि अपने बचपन से और कुछ मुरीद कई सालों से यहाँ पर इनकी खिदमत करते हैं।